चम्मच पानी शुगर आप इसके अंदर डाल दो, तो इसके अंदर जो कड़वा मतलब थोड़ा सा खटास पैन है उतना सा कम हो जाएगा। करीब करीब 3 टेबलस्पून शुगर आपको इसके अंदर डालना है और इसको कर लेते थोड़ा सा डिजोल्व। और इस दौरान मैं मध्यम आंच में आपको टेम्परेचर रखिए पैन का, इसको मध्यम आंच में टेम्परेचर को आपको रखना है। इसको होने देते हैं, डिजोल्व कर दो। ये जो ऑरेंज है जितना संभव है डिजोल्व कर दो, बेहतर होगा। ठीक है, क्रश पेपर इसके अंदर डालेंगे जब हम लोग फाइनल इस डिश को रेडी करने वाले। और इसको मैंने बैठा दिया है मेरे घर ही होगा, सिर्फ लास्ट में उसमें खाना बनाना है। अब इसमें जितना ज़्यादा खाना बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी बेहतरीन होगा, इसको समझने के लिए कि किस खाने के लिए कितना समय लगता है। तो इट विल बी द प्रैक्टिस, आप इसमें जितना प्रैक्टिस करते हो उतना परफेक्शन आता है।